तो कैसे हैं आप लोग? टिकटॉक कोई खराब प्लेटफॉर्म नहीं है, जो लोग आजकल उसको बता रहे हैं। और रही बात रोस्ट की, तो अगर आप में टैलेंट है या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो आपको रोस्ट कर सके। कैरी मिनाटी की वीडियो से भाई 120% सेटिस्फाई हूँ। उसने किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया, उसने पूरी कैटेगरी को रोस्ट किया है, जो लिपसिंग करके फालतू में ऊपर 30-30, 35-35 मिलियन, 15-15, 20-20 मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हैं। भाई उनके हाई वर्ड जो होते हैं ना, हाई गाइज, वो भी उनका खुद का नहीं होता, उस पर भी वो लिपसिंग करते हैं। ये मतलब लाल पीले बाल और कलरफुल कपड़े पहनते को स्टार हो गए भाई। एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। कल कैरी ने 10 मिनट की वीडियो में न जाने कितने छक्कों को मार दिया। ये जो लोग यूट्यूबर्स के खिलाफ वीडियोस बना बना कर डाल रहे हैं ना टिकटॉक पर, मैं बता रहा हूँ, ये ऑडिशन चल रहा है कैरी के अगली वीडियो में आने का। इज्जत तो दबाओगे अच्छे से, बता रहा हूँ। जो लोग पॉपुलर क्रिएटर को बहुत बड़ी चीज मान रहे थे ना, कि हम पॉपुलर क्रिएटर है या हमें पॉपुलर क्रिएटर मिल जाए, कैरी मिनाटी का आईडी जाके चेक करो, मेंशन करता हूँ इसमें, एक वीडियो डाला है गधे का वीडियो, गधा है उसमें, पॉपुलर क्रिएटर लगा हुआ है उसमें, सारा घमंड चकनाचूर कर दिया सिर्फ एक वीडियो से। उसने वायरल होके टिकटॉक वालों ने उसको पॉपुलर क्रिएटर दिया है, जिसकी आईडी पे खुद का एक भी वीडियो नहीं है, सिर्फ एक वीडियो डाला है, एक गधे गधा ऐसे उसकी आवाज निकाल रहा है, उस पर उसको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। तो सच्चाई ये है कि आपके पॉपुलर क्रिएटर की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। उन्होंने ये अनजाने में ये संदेश दे दिया कि भैया एक क्या इस कंटेंट की क्या वैल्यू है। टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, तो कैसे हैं आप लोग? कि भाई हम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तू बहुत बड़ा फुद्दू है जो तूने ये वीडियो बनाई, पर अब तूने ये उड़ता तीर ले लिया है ना, तो बात भी सुन ले मेरी, सिर्फ फैक्ट की बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो तुम मुझे बताओ कि तुम खुद टिकटॉक पे क्या कर रहे हो? भाई वो लोग टिकटॉक पे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि लिपसिंग नहीं कर रहे होंगे, और मैं सिर्फ अंडा फोड़ के उसे कंटेंट बोल रहे होंगे। छोड़ो टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जितने तुम सबके मिला जुला गए ना, उतने कैसे कहते हैं, फैजू है, जितनी इन सबकी मिला जुला गया ना, इज्जत और औकात इनकी है उतनी इस अकेले की है भाई। और अगर फॉलोवर्स से इंसान की औकात पता चलती है ना, तो नवाजुद्दीन और इरफान के ना टॉप पे होते फॉलोवर्स। इतने तुम्हारे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा, 3-3 गुना ज्यादा तो उनके गानों पर आ जाते। अरे मेरे भाई, जरा टिकटॉक से बाहर निकल, गूगल एडवर्ड के बारे में समझ, उसके बाद ना ज्ञान दे यार। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, लोगों की 15 सेकंड की साउंड मेरे लिए पूरी मेरी रात की मेहनत होती है। जो तेरे पूरी रात की मेहनत है ना 15 सेकंड का साउंड, वैसा 15 सेकंड का साउंड मैं 30 सेकंड में निकाल के फेंकता हूँ, और पिछले 2 साल से निकाल के फेंक रहा हूँ। यकीन नहीं होना तो अपने फैजू भैया और अदनान भैया से पूछ लो, किसके साउंड पे होटल आके फेमस हुए हैं वो। जो अच्छा है उसके बारे में अच्छा बोले, जो गलत है गलत बोले, लोगों को गलत इन्फ्लुएंस ना करे यार। टिकटॉक पे आधी जनता सिर्फ ये बोलती रह गई, और फिर एक यूट्यूबर आया और फिर उसने बोला, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। या आमिर सिद्दीकी जैसे लोग बोलते हैं कि हम YouTube पे चले गए तो भाई जीना हराम कर देंगे हम सारे टिकटॉकर्स। क्या करोगे भाई, मुंह से पानी निकालोगे, कपड़े चेंज करोगे वहां पे, करोगे क्या तुम? मजाक चल रहा है, टैलेंट सी है, टैलेंट नहीं है तुम में, एक्सेप्ट करो। एक और बच्चा है जिसका नाम है विशाल पांडे, वो कह रहा है, गाइस ये तुम क्या कर रहे हो यार, तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। किस थाली में खा रहे हैं भाई, किस थाली में खा रहे हैं, हमारे घर पे थाली नहीं है जो तेरी थाली में खाएंगे। अरे गाइस तुम यार टिकटॉक को रोस्ट कर रहे हो। अरे बिल्कुल टिकटॉक को नहीं रोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स में जो कुछ कैटेगरी है टिकटॉकर्स की, आप जैसे लोगों की, उनके टैलेंट की बात की जा रही है, उनके टैलेंट की महिमा गाई जा रही है। और वो कह रहा है, अच्छा ऐसा है तो ऐप पे क्यों हो, ऐप पे क्यों हो, हैं छोड़ के चले जाओ ऐप। अरे शांत, आप मत हमें सिखाइए कि हमें किस ऐप पे रहना चाहिए, किस पे नहीं रहना चाहिए, आप अपने घर पे रहिए आराम से, अपने बालों को संवारिए। टिकटॉक पे आधी जनता सिर्फ ये बोलती रह गई, और फिर एक यूट्यूबर आया और फिर उसने बोला, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। देखो एक होती है बेइज्जती कराना, एक होती है बहुत ज्यादा बेइज्जती होना, फिर आता है जिन लोगों को कैरी मिनाटी रोस्ट करता है। स्कर्ट हैशटैग स्कर्ट, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। तो कैसे हैं आप लोग? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा बाद। मैं फिल्में करके मेरी इज्जत कर रहा है, आप तो तब भी टिकटॉक की वीडियोस करते हो यार। तेरी प्यारी प्यारी ना।
देखो अगर तुम टिकटॉकर्स को अभी भी अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो प्लीज यूट्यूब के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो, क्योंकि अगर एक बार कैरी मिनाटी ने तुम्हें रोस्ट कर दिया ना, कसम से खून के आंसू रोओगे तुम लोग। प्लीज पूरा टिकटॉक भरा पड़ा है कैरी मिनाटी कैरी मिनाटी कैरी मिनाटी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अरे बस करो भाई। मगर गुप्ता मजा बहुत आया रहा। ये जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में घुस रहे हैं ना टिकटॉकर्स, ये वो ही है जिनपे घंटा टैलेंट नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है, कुछ नहीं है, कंटेंट इतना क्रिंज कंटेंट है, कैल्युमिनाटी ने इतनी गलत ली है। सही बोला है, बिल्कुल सही बोला। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से अगर फुर्सत मिल गई हो ना, तो मैंने भी यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है, जाके देख लो। और मैं किस साइड हूँ, मैं यूट्यूब के साइड हूँ, टिकटॉक वाले बुरे कुट रहे हैं, मैं यूट्यूब के साइड हूँ। ओए 6 साल तेरा भाई मॉस्को में क्या कर रहा था? पढ़ाई पढ़ाई। इंस्टाग्राम पे ना इसने एक पोस्ट डाला है। वाह। पोस्ट पे ना नीचे हैशटैग स्कर्ट का डाल दिया है। ये देख रहे एडिट कर रहा है, देख रहे एडिट कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या किया तूने 6 साल मॉस्को में? 200 रुपए में मिठाई की दुकान पे बिकने गया था क्या? इतना पैसा लगाया माँ बाप ने, स्कर्ट डालेगा हैशटैग। जेंटलमैन हालत देखी उसकी, इसकी टांगे देख। स्कर्ट पहन सकता है वैसे तू, मस्त लगेगा। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। भाई इस वक्त तो एक ही ख्वाहिश बची मेरी जिंदगी की, ये पता लगाना है कि मिस्टर फैजू ने क्या सोचकर कैरी को फोन किया था। अगर फैजू भाई कहता कि ये वीडियो पहुंचती तो भाई ये बात जरूर क्लियर करवा देते, एक बार फोन उसे क्यों किया क्या सोचकर। नमस्कार, मेरा भाई आज आप सभी को बदनाम होने का तरीका बताएगा। कैरी मिनाटी से रोस्ट करवा लो। अच्छा तो तेरे 12.6 मिलियन फैंस हो गए, पॉपुलर क्रिएटर भी मिल गया, और तो उससे क्या हो जाएगा फिर? देखो यार, मेरा वैसे तो कोई बोलना या बनता नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा टिकटॉकर हूँ, और लेकिन हाँ इस प्लेटफॉर्म पे बहुत टाइम से हूँ, तो मुझे एटलीस्ट कंटेंट क्रिएटर में और वीडियो क्रिएटर में डिफरेंस पता है। तो भाई जो तुमने ये कंटेंट क्रिएटर होने की बात की है कि तुम कंटेंट क्रिएटर हो और वीडियो तुम बनाते हो कि मेरे सर पर अंडा फोड़ लो, उसका डुएट बनाओ इंस्टाग्राम पे जाके देखो, और क्यूट लड़कियाँ नहीं दिख रही मुझे, डुएट करो क्यूट लड़कियाँ मेरे साथ में, तो भाई वो कंटेंट क्रिएटिंग तो कतई नहीं है, कतई नहीं है। जो तुम ये फांफू करके आए हो ना पूरी कम्युनिटी की जो तुमने लगवाई है, तो भाई तुम करते हो वीडियो क्रिएटिंग, तुम किसी साउंड को पकड़ते हो, उस पर अपना तंत्र मंत्र चलाते हो, अतरंगी जादूगर बनते हो, कपड़े बदलते हो, तो भाई वो वीडियो क्रिएटिंग और कुछ नहीं है। उसके अलावा कंटेंट वो होता है ओरिजिनल कंटेंट, अपना लिखा हुआ खुद का प्रेजेंट किया हुआ, वो ओरिजिनल कंटेंट होता है दोस्त। और यार एक बात तो समझ आ गई, पढ़ाई करने के लिए ना मॉस्को सबसे बेकार जगह है। और हाँ इंस्टाग्राम तो बहुत चलाया लेकिन हैशटैग स्कर्ट कभी नहीं रखा, और जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए लेकिन शक्ल का बूम बूम की पेंसिल वाला हेयर स्टाइल। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। आई सो सीरियस दीवानी। एलेक्सा टीम नवाब कौन है? सॉरी मुझे ये नहीं पता। लग रही थी ठंड तो कैरी ने ओढ़ी रजाई, लग रही थी ठंड तो कैरी ने ओढ़ी रजाई, जब ठोकने लगे टिकटॉकर को तो सब चिल्लाने लगे। अरे भाई 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 भाई, 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 भाई। लोग पता नहीं मॉस्को का बहाना मार के महाबलेश्वर चले जाते हैं। ओ भाई हम सिर पे अंडे मारने को ना चैलेंज नहीं बोलते, कंसेप्ट नहीं बोलते। और मैं कैरी भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई इसको मिठाई की दुकान पे लेके क्यों जाना है? अपन मिठाई की दुकान में जाएंगे पहले ही रसगुल्लों के आसपास इसके जैसे और बड़े बैठे होंगे। और इसको कोई बताओ नकल भी अकल से होती है, तूने किसी लड़की का कैप्शन अपने फोटो में डाल लिया। ओ भाई पहले चेक तो कर लिया अगर ठीक है, तूने अपने ठंड लगवानी है पर इसका मतलब लुंगी पहन ले, कच्छा पहन ले, जॉकी पहन ले, नहीं भाई स्कर्ट पहननी है, फिटे मुंह तेरे। अब कल को ऐसे लोग आएंगे, दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आया हूं, आपको नाक में उंगली डाल के मंचूरियन निकालने हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड करना है, जिसके मंचूरियन सबसे ज्यादा और ग्रेवी वाले हुए उसको मैं शाउट आउट दूंगा। सुबह से या एक्चुअली कल से एक ही बंदा मेरे फॉर यू पेज पे और यूट्यूब पे ट्रेंड हो रहा है, एक ही। क्यों? क्योंकि बस कंटेंट, प्यार, सपोर्ट, इज्जत, उसके पास सब है, समझा? उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए उसको इज्जत है। और ये मैं टिकटॉक पे डाल रही हूँ
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टिकटॉक की बेइज्जती कर रही हूँ, नहीं, फर्क समझो, मुझे उस इंसान का कंटेंट अच्छा लगा इसलिए मैं उसको प्यार सपोर्ट इज्जत। मेरी ना हंसी नहीं रुक रही यार, मतलब कैरी भैया ने जो ली है ना टिकटॉक वालों की, मैं भी टिकटॉकर हूँ पर मतलब यार मेरे टिकटॉक बनाने का मन नहीं कर रहा जब से वो वीडियो देखी है। शक लग बूम बूम वाला हेयर स्टाइल कभी मत करना लड़को, कभी नहीं, मॉस्को तो बस नाम ही मत लेना। मतलब क्या अच्छा रोस्ट था यार टिकटॉक। हम जैसों ने क्या बिगाड़ा था कि हम जैसे भी फंस गए, खुद की तो बेइज्जती हुई हुई यार। भाई ले ली। अच्छा एक मिनट, एक बात बताओ, उसने 6 साल करा क्या था मॉस्को जाके? तो कल मुझे इंस्टा पे एक बंदा डीएम करके बोलता कि तू तो टिकटॉकर है, तू कब से कैरी मिनाटी को सपोर्ट करने लग गया, तू कब से कैरी मिनाटी के लिए सपोर्टिव वीडियो बनाने लग गया। तो भाई मेरी बात सुन, जस्ट बिकॉज आई एम अ टिकटॉकर इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं यूट्यूबर से हिट करूँ और ऊपर से कैरी मिनाटी से। भाई पूरी 11th 12th उसकी वीडियोज़ देख देख के निकाली है मैंने।